बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ पॉलीमर्स, और सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर में हमारा फोकस है थर्मोडायनामिक्स ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। हम पॉलीमर सॉल्यूशन के थर्मोडायनामिक पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल लैटिस मॉडल से गिब्स एनर्जी एंड एंट्रॉपी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन कैलकुलेट की थी, और आज हम इक्वेशन डिराइव करेंगे टू कैलकुलेट गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रॉपी बाय यूजिंग फ्लोरी ह्यूगेंस थ्योरी। इस थ्योरी को मॉडिफाइड लैटिस मॉडल भी कहते हैं। सिंपल लैटिस मॉडल में हमने सपोज कर लिया था कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल का साइज उतना ही है जितना सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का साइज है। ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच थी, और आज हम रिलेटिवली रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आएंगे, जिसमें हम कंसीडर करेंगे कि पॉलीमर का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से बहुत बड़ा होता है। तो दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई पाल फ्लोरी एंड मॉरिक ह्यूगन्स इन 1940s। देयर फोर इट इज कॉल्ड फ्लोरी ह्यूगन्स थ्योरी। इस थ्योरी की एजम्पन्स, पहली बात हम रियलिटी की तरफ चले गए। अब हमने ये एडमिट कर लिया कि पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर मच लार्जर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब पॉलीमर का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मुकाबले में बहुत बड़ा है, तो इट इज पॉलीमर मॉलिक्यूल इज इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन। पॉलीमर के मॉलिक्यूल एक लंबी चेन की फॉर्म में होंगे, और हर चेन के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। पॉलीमर चेन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ये देखें, ये जो ये ब्लैक वन, ये पॉलीमर चेन है, और ये जो ब्लैक सर्कल्स हैं ये इनके सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, नाउ पॉलीमर के एक सेगमेंट का साइज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साइज के इक्विवेलेंट है। ये वाइट सर्कल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लैक सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीमर के एक सेगमेंट को। तो पॉलीमर की चेन में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, और एक सेगमेंट का साइज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साइज के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो साइज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ वन सेगमेंट ऑफ पॉलीमर चेन। साइज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ वन सेगमेंट ऑफ पॉलीमर चेन। इट मीन जो एक थ्री डायमेंशनल लैटिस हमने सपोज की हुई है कि सॉल्वेंट पॉलीमर का सॉल्यूशन एक थ्री डायमेंशनल लैटिस की फॉर्म में है, उसकी हर साइड पर या सॉल्वेंट का एक मॉलिक्यूल है या पॉलीमर का एक सेगमेंट है। ये अगेन लुक एट दिस डायग्राम, ये थ्री डायमेंशनल लैटिस है। तो पॉलीमर के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट का सेगमेंट ये हर साइड पर मौजूद है। एक साइड, वन साइड इज ऑक्यूपाइड आइदर बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और बाय सेगमेंट ऑफ पॉलीमर चेन। और एक बात और कि जब जिस साइड पर पॉलीमर का सेगमेंट है उसकी दो नेबरिंग साइड्स पर भी पॉलीमर के ही सेगमेंट्स हैं। यानी सिंपल लैटिस मॉडल में जिस तरह हमने सपोज किया था कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और पॉलीमर का मॉलिक्यूल किसी भी साइड पर हो सकता है, यहां पर ऐसा नहीं है। ये देखिएगा सिंपल लैटिस मॉडल, सिंपल लैटिस मॉडल में ये हमने सपोज किया था कि एनी साइड इन लैटिस कैन बी ऑक्यूपाइड बाई आइदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और पॉलीमर मॉलिक्यूल। लेकिन अब इन रियल केस ऐसा नहीं है, बल्कि जहां पॉलीमर का सेगमेंट है उसके दाएं और बाएं भी पॉलीमर के ही सेगमेंट्स हैं। ये देखिएगा, ये पॉलीमर का सेगमेंट है तो इसके दोनों साइड्स पर और सेगमेंट्स हैं, क्योंकि ये सारे सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो अब हमने रियलिटी को कंसीडर कर लिया
कि ईच स्पेस इन लैटिस इज ऑक्युपाइड आइदर बाई वन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और बाई वन सेगमेंट ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल एंड ईच साइड ऑक्युपाइड बाई पॉलीमर सेगमेंट मस्ट हैव टू एडजेसेंट पॉलीमर साइड्स सो दैट देर इज ए कंटिन्यूस पाथ ऑफ पॉलीमर सेगमेंट्स. चूंकि पॉलीमर की पॉलीमर का मॉलिक्यूल एक कंटिन्यूस चेन की फॉर्म में है और ये चेन उसी सूरत में बन सकती है अगर हर सेगमेंट के आगे पीछे दाएं बाएं और सेगमेंट्स अटैच हों. अब जरा इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखिएगा. सपोज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद है एन वन, कैपिटल एन वन, और नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल कैपिटल एन टू. अब चूंकि हमने ये एडमिट किया है कि पॉलीमर की हर चेन में देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन वन पॉलीमर मॉलिक्यूल इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एक्स से. कैपिटल एक्स से हमने मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है और स्मॉल एक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन ईच पॉलीमर चेन. इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे एक्स इंटू एन टू. ये एन टू है नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स और हर पॉलीमर मॉलिक्यूल में एक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स एक्स एन टू. इट मीन नाउ टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन लैटिस एन वन प्लस एक्स एन टू. अलबत्ता अगर हम एक्स को वन कंसीडर कर लें तो फिर इसका मतलब है हम मॉडिफाइड लैटिस मॉडल से वापस चले जाएंगे सिंपल लैटिस मॉडल में. अब तक जितनी डिस्कशन हमने की है सिंपल लैटिस मॉडल में और मॉडिफाइड लैटिस मॉडल में, द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफ एक्स. अगर एक्स की वैल्यू वन हो इसका मतलब है पॉलीमर का मॉलिक्यूल, पॉलीमर के मॉलिक्यूल में एक ही सेगमेंट है, यानी पॉलीमर के मॉलिक्यूल का साइज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साइज के साथ कंपेरेबल है, तो उस केस में मॉडिफाइड लैटिस मॉडल विल बी रिड्यूस्ड टू सिंपल लैटिस मॉडल. अब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो स्टार्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज से. एट स्टार्ट वी विल डू कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग. डेल्टा एस एम का मतलब है एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग. सिंपल लैटिस मॉडल में इक्वेशन 6 ये हमने डिराइव की थी. अब चूंकि हम कह रहे हैं कि हर पॉलीमर के मॉलिक्यूल में एक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट एक्स एन टू, तो यहां पर हम एन टू को रिप्लेस कर देंगे एक्स एन टू से. तो मॉडिफाइड लैटिस मॉडल में को हम इस फॉर्म में लिखेंगे. ये देखिएगा इक्वेशन 6 और इक्वेशन 10, इसको इक्वेशन 10 इसलिए कहा है कि जो लास्ट इक्वेशन थी सिंपल लैटिस मॉडल की वो इक्वेशन नंबर 9 है, तो अब यहां उससे आगे इक्वेशन नंबर 10 आ गई. इक्वेशन 6 और इक्वेशन 10 में द ओनली डिफरेंस इज दैट एन टू हैज बीन रिप्लेस्ड विद एक्स एन टू. अलबत्ता इस एन टू को हमने एक्स एन टू नहीं किया, क्यों? कि ये एन टू नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है. अलबत्ता यहां पर ये जो मोल फ्रैक्शन में एन टू है यहां और यहां, ये एन टू रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ साइड्स को. सिंपल लैटिस मॉडल में हमने कहा था कि जितने पॉलीमर के मॉलिक्यूल हैं उतनी ही साइड्स को ऑक्युपाई करेंगे, लेकिन अब मॉडिफाइड लैटिस मॉडल में हम कह रहे हैं कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, एक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, तो जितने सेगमेंट्स हैं उतनी ही साइड्स ऑक्युपाई होंगी, तो यहां पर हमने एन टू को एक्स एन टू से रिप्लेस कर दिया. अब ये जो फैक्टर है दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और इसको हम फाइ वन से रिप्रेजेंट करेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन में फाइ टू दैट इज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर. तो इस इक्वेशन 10 में इसको हम रिप्लेस कर देंगे फाइ वन से और इस फैक्टर को रिप्लेस कर देंगे फाइ टू से, तो वी विल गेट इक्वेशन 11. ये देखिएगा ये हमने रिप्लेस कर दिया. वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर. अब अगेन हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में,
एंड वी नो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉरी नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट इज दिस वन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर इज दिस वन. तो इक्वेशन 11 में हमने एन कैपिटल एन वन और कैपिटल एन टू इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी. ये अब ये एवोगैड्रोस नंबर चूंकि दोनों फैक्टर्स के साथ है, सॉल्वेंट वाले फैक्टर में भी है और पॉलीमर वाले फैक्टर में भी है, तो इसको अगर हम कॉमन ले लें, अगेन स्मॉल के इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हैविंग दिस वैल्यू एंड एन ए इज एवोगैड्रोस नंबर हैविंग दिस वैल्यू, अगर इनको मल्टीप्लाई करें वी गेट दिस वैल्यू विद दिस यूनिट दैट इज जनरल गैस कांस्टेंट. तो के एन ए को हम आर से रिप्लेस कर देंगे. नाउ इक्वेशन 13, तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी. अगेन 5-1 एंड 5-2 आर वॉल्यूम फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट एंड पॉलीमर रिस्पेक्टिवली. सिंपल लैटिस मॉडल में हमने एंथैल्पी चेंज जीरो सपोज कर ली थी क्योंकि वहां पर हम सपोज कर रहे थे कि पॉलीमर सॉल्यूशन एक्ट्स एज आइडियल सॉल्यूशन, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो डेल्टा एच एम की वैल्यू को हमने जीरो कंसीडर किया था, लेकिन अब चूंकि हम रियल केस कंसीडर कर रहे हैं तो फ्लोरी ह्यूगन्स थ्योरी में हम एंथैल्पी चेंज को जीरो नहीं लेंगे बिकॉज पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन एनर्जी. सिंपल लैटिस मॉडल में पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन एनर्जी को हमने जीरो सपोज किया था और अब हम सपोज करेंगे कि ये एनर्जी जीरो नहीं है. नाउ इन पॉलीमर सॉल्यूशन पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन एनर्जी आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलीमर पॉलीमर सॉल्वेंट पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन एनर्जीज एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एनर्जीज. पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन एनर्जी एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एनर्जी. इट मीन के सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में हम ये सपोज कर लेते हैं कि पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन एनर्जी इज सेम एज पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन एनर्जी एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एनर्जी. चूंकि पॉलीमर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल पॉलीमर हो अनचार्ज्ड पॉलीमर हो और उसको हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें तो उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस रिलेटिवली वीक होंगी और डिस्टेंस इंक्रीज करने से उनकी मैग्नीट्यूड रैपिडली डिक्रीज होगी. अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट एंड पॉलीमर डिक्रीज रैपिडली विद सेपरेशन. इसलिए हम फिलहाल जरा सिंपल केस कंसीडर करेंगे कि दो नेबरिंग मॉलिक्यूल यानी शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे. वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर कैलकुलेशन टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल और इस बात का दूसरा मतलब ये है कि वी विल कंसीडर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस ओनली. तो सॉल्यूशन में तीन तरह की इंटरेक्शंस हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस इन सॉल्यूशन. सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन, पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन. या यूं समझ लें जब हम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ कांटेक्ट में हैं, पॉलीमर के मॉलिक्यूल पॉलीमर के साथ कांटेक्ट में हैं, पॉलीमर के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, तो देयर आर सॉल्वेंट सॉल्वेंट कांटेक्ट, पॉलीमर पॉलीमर कांटेक्ट एंड जब सॉल्यूशन बनेगा तो पॉलीमर सॉल्वेंट कांटेक्ट्स भी डिवेलप हो जाएंगे. सॉल्वेंट सॉल्वेंट कांटेक्ट्स की इंटरेक्शन एनर्जी W11, पॉलीमर पॉलीमर की इंटरेक्शन एनर्जी W2
और पॉलीमर सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट्स की इंटरेक्शन एनर्जी W12। तो इनिशियली सॉल्वेंट सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट है, पॉलीमर पॉलीमर कॉन्टैक्ट है, देन पॉलीमर सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट डिवेलप होंगे। ये देखिएगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट, देन पॉलीमर पॉलीमर कॉन्टैक्ट। दे विल गिव राइज टू सॉल्वेंट पॉलीमर कॉन्टैक्ट। लेकिन ये देखिएगा, एक सॉल्वेंट पॉलीमर कॉन्टैक्ट डिवेलप करने के लिए हमें एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट ब्रेक करना पड़ेगा, एक पॉलीमर पॉलीमर कॉन्टैक्ट डिवेलप करना पड़ेगा, एक पॉलीमर पॉलीमर कॉन्टैक्ट ब्रेक करना पड़ेगा। तो वन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड वन पॉलीमर पॉलीमर कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन टू इस्टेब्लिश वन पॉलीमर सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट इन सोल्यूशन। एनर्जी डिफरेंस पर पॉलीमर सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट इज डेल्टा W, और डेल्टा W इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। डेल्टा W इज पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस फॉर वन पॉलीमर सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट। डेल्टा W इज एनर्जी डिफरेंस फॉर वन पॉलीमर सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट, दैट इज W12 इनटू दिस वन। ये टू से हमने इसलिए डिवाइड किया है कि एक पॉलीमर सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट डिवेलप करने के लिए हमें दो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने पड़ते हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट भी ब्रेक करना पड़ता है, पॉलीमर पॉलीमर कॉन्टैक्ट भी ब्रेक करना पड़ता है। अब टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, लेट सपोज इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स दिस वन। इसमें एक्स है नंबर ऑफ सेगमेंट्स, एन टू नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल, जी स्मॉल जी इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लेटस, और फाई वन वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज गिवन इन दिस वे, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड एनर्जी डिफरेंस ऑफ मिक्सिंग, यानी पी डेल्टा W, दिस इज एंथैल्पी चेंज, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी डिफरेंस फॉर वन कॉन्टैक्ट। एक कॉन्टैक्ट को डिवेलप करने के दौरान कितनी एनर्जी चेंज आती है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने कॉन्टैक्ट डिवेलप हुए, तब हमारे पास टोटल एंथैल्पी चेंज आएगी। तो इस इक्वेशन में पी की ये वैल्यू पुट कर दें, तो एंथैल्पी इज दिस वन, दिस वन, ये हमने पी की वैल्यू पुट कर दी। अब थोड़ी सी फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स को। अब हमें नहीं पता पॉलीमर के मॉलिक्यूल में कितने सेगमेंट्स हैं, और चूंकि पॉलीमर की चेन लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, इसलिए हम एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लेते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ मोलर मास लेते हैं। अगर हमारे पास एक पॉलीमर सैंपल में 1000 पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं तो उन सब के लेंथ डिफरेंट होगी, लिहाजा उन सब में नंबर ऑफ सेगमेंट भी डिफरेंट होंगे, तो हमें इसकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। इट मीन कि एक्स की वैल्यू फाइंड करना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो हमें किसी तरीके से ये एक्स वाले फैक्टर को इस इक्वेशन से इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, दिस इज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इनको अगर हम इनकी रेशो ले लें, ये देखिए फाई वन ओवर फाई टू, ये हमने रेशो ले ली। तो चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो ये डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ कैंसल हो सकते हैं। जब ये डिनोमिनेटर कैंसल होंगे एक्स वाला फैक्टर निकल जाएगा, आप देखिएगा ये
एक्स एन टू फाई वन इज इक्वल टू एन वन फाई टू। इट मीन इस इक्वेशन में एक्स एन टू फाई वन की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो इट इज ओके। ये वैल्यू हमने ऑब्टेन की है बाई टेकिंग एवरेज ऑफ फाई वन, बाई टेकिंग रेशियो ऑफ फाई वन एंड फाई टू। इसको हमने सॉल्व किया। अब x वाला फैक्टर निकल गया, x n2 phi 1 की जगह हमने n1 phi 2 पुट कर दिया, एंड वी हैव डन इट टू इलिमिनेट x फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये हमारे पास आ गई इंथैल्पी की वैल्यू। थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन और करेंगे, माइनर मॉडिफिकेशन। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में इसको हम kt से मल्टीप्लाई भी कर दें, kt से डिवाइड भी कर दें। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाई के टी, ये स्मॉल के एंड कैपिटल टी। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। अब ये जो फैक्टर हमारे पास आया है दिस वन, इट इज एक्चुअली, इसको हम रिप्लेस कर देंगे काई से। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है काई, सी एच आई, बाज लोग इसको चाई भी पढ़ते हैं। तो इस फैक्टर को, दिस फैक्टर हैज बीन रिप्लेस्ड विद काई, और लेट इट बी चाई। तो ये काई, इट इज एक्चुअली सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पैरामीटर, पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन पैरामीटर। ये आ गई हमारे पास अब एंट्रोपी की वैल्यू, सॉरी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू। तो अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करें, तो एन वन की जगह इसी इक्वेशन में एन वन को हम रिप्लेस कर देंगे विद स्मॉल एन वन इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ये देखें। और एवोगैड्रोस नंबर को अगर के से मल्टीप्लाई कर लें ये, तो दिस इज आर, देन एंथैल्पी चेंज इज दिस वन। ये इक्वेशन 17 गिव्स अस एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन कैलकुलेटेड फ्रॉम फ्लोरी ह्यूगेंस थ्योरी। अब हमारे पास, हमने कहा था कि दिस इक्वेशन इज बेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम गिब्स एनर्जी चेंज फाइंड करते हैं। अब चूंकि हम इक्वेशन 13 से एंथैल्पी चेंज भी फाइंड की इक्वेशन भी डिराइव कर चुके हैं, और अब हमने एंथैल्पी चेंज की एक्सप्रेशन भी डिराइव कर ली, तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू यहाँ से ले लें और एंट्रोपी चेंज की वैल्यू इक्वेशन 13 से। तो ये दोनों वैल्यूज हम इस फंडामेंटल इक्वेशन में लेट दिस पुट करें, तो वी गेट दिस एक्सप्रेशन। इसमें देखें, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। आर टी चूंकि दोनों फैक्टर्स में है, इसको हम कॉमन ले लें। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन जस्ट फॉर आवर नॉलेज। अगर यहां हम काई को जीरो कर दें, काई के जीरो होने का मतलब है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट विल बी आइडियल केस। आइडियल सॉल्यूशन में हम कहते हैं पॉलीमर सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन उतनी ही होती है जितनी पॉलीमर पॉलीमर की या सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है, यानी सॉल्यूशन बनने के बाद भी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं आता। तो काई की वैल्यू जीरो अगर कर दें, काई की वैल्यू जीरो करें, तो ये सारा फैक्टर जीरो हो गया, इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। और एक और चीज सपोज कर लें, अगर एक्स की वैल्यू वन है, स्मॉल एक्स जो हमने नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिप्रेजेंट किया है, ये देखें ये फाई वन की वैल्यू है। यहां पर अगर एक्स को वन कर लें तो फाई वन इज इक्वल टू एक्स वन, देन वॉल्यूम फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इफ एक्स इज वन। एक्स वन होने का मतलब है कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल में एक ही सेगमेंट है, इसका मतलब है पॉलीमर के मॉलिक्यूल का साइज तकरीबन उतना ही है जितना सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का साइज। तो अगर हम एक्स को वन कंसीडर कर लें, तो
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी कन्वर्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव, देन वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी कन्वर्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन. अगर x 1 हो तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. अब देखें इस इक्वेशन में, इक्वेशन 17 में अगर x को 0, अगर काई को 0 पुट कर लें और x को 1 पुट कर लें तो इक्वेशन 17 ये आइडियल सॉल्यूशन की इक्वेशन बन जाती है. If chi is 0 and x is 1, then solution is ideal and equation 17 is reduced to equation 19. ये देखें, जब आपने chi को 0 कर दिया, x को 1 कर दिया, तो mole fraction की, volume fraction की जगह mole fraction आ गया, chi वाला factor 0 हो गया. अब ये equation, that was actually equation number 9, जो कि हमने simple lattice model से calculate की थी. तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर व्हाट कंडीशन मॉडिफाइड लैटिस मॉडल कैन बी रिड्यूस्ड टू सिंपल लैटिस मॉडल, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि अगर काई जीरो हो और एक्स की वैल्यू वन हो, देन रिजल्ट्स ऑफ मॉडिफाइड लैटिस मॉडल आर सेम एज रिजल्ट्स ऑफ सिंपल लैटिस मॉडल. फ्लोरी ह्यूगन्स थ्योरी ने अगरचे काफी हद तक इंप्रूवमेंट की है, अब हम पॉलीमर सॉल्यूशन के थर्मोडायनामिक पैरामीटर को ज़्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी भी खामियों से पाक नहीं है. देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी. तो ऑल दो फ्लोरी ह्यूगन्स अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ आइडियल ऑफ डिल्यूट सॉल्यूशन. डिल्यूट पॉलीमर सॉल्यूशन के बिहेवियर को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि इस थ्योरी में हमने इस बात को इग्नोर किया है कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल आइसोलेटेड कॉइल्स भी बना सकते हैं. अगर वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन हो पॉलीमर का, तो पॉलीमर मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड कॉइल, लेकिन फ्लोरी हिगन्स थ्योरी में इस चीज को हमने कंसिडर नहीं किया. दिस थ्योरी दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस ओनली. And this theory considers no change in volume during solution formation. इस पूरी mathematical expression में, mathematical calculation में हमने कहीं भी ये discuss नहीं किया कि जब आप solute को solvent में add करेंगे तो volume change होगा या नहीं होगा. यानी either volume of solution एंड सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट, ये चीज हमने कंसीडर नहीं की कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दैट शुड बी इक्वल टू इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये ऐसा होता है या नहीं होता. क्योंकि आमतौर पर देखा यह गया है कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम के इक्वल नहीं होता. आइडियल सॉल्यूशन में तो ऐसा होता है, लेकिन आमतौर पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम होता है या ज़्यादा होता है देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. लेकिन इस चीज़ को हमने फ्लोरी ह्यूगन्स थ्योरी में कंसीडर नहीं किया. अब एक छोटी सी एक्सरसाइज ये आपने अपने तौर पर करनी है. पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर व्हाट कंडीशन दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू दिस इक्वेशन, तो आपके जहन में होना चाहिए कि दिस इज इक्वेशन ऑफ, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइड लैटिस मॉडल, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ फ्लोरी ह्यूगन्स थ्योरी एंड दिस इज फाइनल रिजल्ट ऑफ सिंपल लैटिस मॉडल. और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट उसी सूरत में किया जा सकता है अगर काई की वैल्यू जीरो हो और एक्स की वैल्यू वन हो. क्वेश्चन टू, लेट सपोज हमने 0.3, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की तादाद है 0.3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर और ये पॉलीमर के मॉलिक्यूल की तादाद है. इनको हमने डिसॉल्व किया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट दिस टेम्परेचर.
तो अकॉर्डिंग टू सिंपल लैटिस मॉडल आप एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करें और गिब्स एनर्जी चेंज कैलकुलेट करें। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेंगे पहले नंबर ऑफ मोल में, देन मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, ये टेम्परेचर इसको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, और यहाँ 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इस मैस ऑफ वाटर को पहले आप नंबर ऑफ मोल, इसको आप नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लें, और नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, वी हैव टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज एंड गिब्स एनर्जी चेंज अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड लैटिस मॉडल अकॉर्डिंग टू फ्लोरी ह्यूगेंस थ्योरी। इसमें हमने पॉलीमर के मॉलिक्यूल की तादाद 0.04 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, एंड वी हैव डिजॉल्व देम इंटू 0.4 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करें, और 0.4 किलोग्राम का मतलब है 400 ग्राम, इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लें, टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट कर लें। अब चूंकि आप फ्लोरी ह्यूगेंस थ्योरी में जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको काई की वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए, और आपको नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन वन पॉलीमर मॉलिक्यूल ये भी गिवन होना चाहिए। तो एवरेज नंबर ऑफ सेगमेंट्स पर पॉलीमर मॉलिक्यूल इज 30, एंड वैल्यू ऑफ पॉलीमर सॉल्वेंट इंटरेक्शन पैरामीटर जिसको हम काई कहते हैं, इसकी वैल्यू है 0.78। तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम तकरीबन पॉलीमर सॉल्यूशन की डिस्कशन को हमने फाइनलाइज कर दिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम ये पॉलीमर का टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।